गाइस मैं YouTube पर रहकर के अब तक 5 से 6 चैनल को मोनेटाइज कर चुका हूँ और हर तरह की प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, जैसे कि एडसेंस पे ना आना या फिर चैनल डीमोनेटाइज हो जाना या फिर उसके अलावा भी जो अदर प्रॉब्लम्स आती है, मिसलीडिंग मेटा डाटा जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब गाइस उसका रीज़न क्या होता है और ये कैसे सही की जा सकती है, सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके चैनल में ये प्रॉब्लम आई है तो आप लोगों को एक अपील का ऑप्शन मिला होगा, बट उससे पहले शायद कि आप लोग इस वीडियो पे आ गए हो और ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो अभी के टाइम पे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। ऑलरेडी 4 से 5 साल मुझे यूट्यूब पे हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है इन चीज़ों का कि किस तरह से कौन सा चैनल मोनेटाइज कराए जाते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमने काफ़ी सारे चैनल्स को मोनेटाइज भी करा लिया है उन प्रॉब्लम्स के बाद, और एडसेंस पिन भी नहीं आए थे कुछ चैनल्स के, तो वो सारे भी हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम्स। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो का आप लोग कोई भी पार्ट मिस ना करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप लोगों के चैनल के ऊपर मिसलीडिंग मेटा डाटा की प्रॉब्लम आती है, तो जैसे कि सपोज करो आपको चैनल अभी रिजेक्ट हो गया, इससे पहले आपको नहीं पता था मिसलीडिंग मेटा डाटा क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्म कर देता हूँ। मिसलीडिंग मेटा डाटा होता है जैसे कि आपका चैनल है और आपने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भर के रखा है, बहुत ही अलग तरह के थंबनेल लगाए हैं, जो वीडियो के अंदर नहीं भी बताया वो भी थंबनेल लगा रखे हैं, या फिर जो आपका टाइटल है वो वीडियो से मैच नहीं हो रहा और आपके जो टैग्स हैं वो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और वीडियो के रिलेटेड भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है मिसलीडिंग मेटा डाटा की। अब अगर एक दो वीडियो में ये हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर हर वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा है तो यूट्यूब यहाँ पर पकड़ लेता है कि ये बंदा मिसलीड कर रहा है, यहाँ पर हमारे एल्गोरिथम को कहीं ना कहीं ये जो टैग्स है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब पकड़ता है, जबकि ये खिलाफ है कम्युनिटी गाइडलाइंस के, यूट्यूब के आप जो टैग्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लगा सकते, इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, कभी भी उनको कोमा देकर तो बिल्कुल भी मत लगाना, ऐसे लिख सकते हो योर क्वायरीज करके, थोड़े बहुत 5-6 लगा सकते हो, वो भी क्वायरीज करके, पहले योर क्वायरीज उसके बाद। अब गाइस अगर आपका ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसको अब सॉल्व कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आप लोग को सब क्लियर कर देना है, बस टाइटल छोड़ना है, डिस्क्रिप्शन भी क्लियर कर देना है और टैग्स भी बिल्कुल हटा देने हैं। ये दोनों चीज़ आप लोगों को हटाने के बाद अपने थंबनेल्स भी मैं कहूँगा कि रिमूव कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक 2-3 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये सब चीज़ें हटा दे बेटर रहेगा। और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि मिसलीडिंग मेटा डाटा की प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने अब तक सॉल्व कराई है, तो मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के ये प्रॉब्लम आप लोगों को मिसलीडिंग की तो नहीं आएगी, गारंटीड है। और शायद आप लोग पहली बार YouTube पे आए हो, आप लोग सोच रहे हो भी मोनेटाइजेशन कराने का, तब भी आप लोगों के लिए काम आने वाली है वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और कभी भी आप लोगों को मोनेटाइजेशन में दिक्कत नहीं आने की। अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर देना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।